जी यादव, पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश जी मेघवाल और जनार्दन सिंह जी गहलोत और राम नारायण जी डूडी और लक्ष्मी नारायण जी दबे, यहाँ के विधायक संजना जी, पूर्व सांसद पुष्प जी, भाजपा के प्रदेश महामंत्री रामचरण जी बोरा, विधायक शंकर सिंह जी, पूर्व विधायक लक्ष्मी नारायण जी बैरवा, हज कमेटी के पूर्व चेयरमैन फिरोज खान जी, मदरसा बोर्ड के हमारे हिदायत खान जी, गौ सेवा आयोग के चेयरमैन राजेंद्र जी, पूर्व विधायक मदन जी राठौड़, लक्ष्मी भगवान और जिला अध्यक्ष हमारे इस क्षेत्र के महेंद्र जी बोरा, उपस्थित सब मेरी माताएं, पहले आपको मैं प्रणाम करना चाहूंगी कि आप लोगों ने इतनी देर के बाद भी और इतनी संख्या में यहाँ आके हम सबकी हौसला अफजाई की, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। बहुत सारा धन्यवाद माताएं बहने और आपको मेरा बहुत सारा प्यार कि आप लोगों ने आके वाकई में मेरे को ताकत दी। और यहाँ सब उपस्थित मेरे भाई और सब बुजुर्गण, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी और इतने जोरदार तरीके से यहाँ आप लोगों ने इकट्ठा होके हमको प्यार जताया, इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं जैसे बता रही थी कि पिछले दो दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मैं आज भी यही सोच रही थी कि दिन निकलेगा तो कैसे निकलेगा, क्योंकि हमने तो रेगिस्तान से लेके पहाड़ों तक राजस्थान का इलाका देखा। आप लोग जो फोटोग्राफर्स है ना, प्लीज थोड़ा सा नीचे बैठ जाओ प्लीज, ये नीले वाले फोटोग्राफर। हमने रेगिस्तान से चलते पहाड़ों तक राजस्थान को बड़े करीब से देखा। हमने 50 डिग्री गर्मी देखी है और हमने जोरदार बरसात भी भुगता है। और मैंने ये देखा है कि इस बरसात के अंदर कैसे कैसे लोग खुश हुए हैं और कैसे कैसे क्षेत्र के अंदर हम लोग सब के साथ झूमते झूमते और घूमते यहां तक पहुंचे। आज भी जोरदार बरसात थी नरदाई के अंदर, जब मैं नरदाई से निकली थी और ऐसा लगा कि नरदाई से निकल नहीं पाएंगे, इतनी जोरदार बरसात, मैंने ऐसा पानी पड़ा, परंतु भगवान की इच्छा थी हम लोग निकल पड़े और आप लोग तक यहाँ पहुंचे। और आपने भी इतना प्यार दिया और फिर भगवान ने अभी तक बरसात नहीं दी है, मैं जाने के बाद बरसात मिले, ये आप लोगों को मैं फिर से धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैंने जैसे सब लोगों को यह कहा और मैं सुन रही थी संजना ने अभी क्या क्या कहा, अरे मारो मत उसको, बैठ जाओ चुपचाप से, नहीं मार पड़ेगी देखो। मैं इससे इतना कहना चाह रही हूँ कि मेरे तो छोटे छोटे 4-5 पॉइंट है, मैं हर जगह पे जहां मैं गई हूँ सातों संभाग के अंदर, मैंने यही पता करने की कोशिश की है कि क्या ये 5 साल के अंदर किस सरकार ने गांव गांव तक पानी पहुंचाने की कोशिश की है, क्या और पानी पहुंचाया है, क्या बड़ी मिला। अभी जब मैं पिछले बार आई थी रुक्मिणी जी महाराज, उन्होंने चला के मुझे पेयजल की समस्या से अवगत कराया था, मैं आई थी उनके दर्शन करने, और आपको याद है उन्होंने भरी सभा में मुझे ये कहा कि ये तो सब ठीक है तुम मेरे दर्शन करने आए हो, परंतु एक चीज याद रखना, इस इलाके के अंदर यहाँ पानी की बहुत समस्या है, मीठा पानी पिलाने का काम तुमको जरूर करने की, ये बहुत बड़ा काम है उसको आप करें। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि आपका ही इलाका है जहाँ ये मीठा पानी नहीं मिल रहा है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो 4.5 साल के अंदर काम हो सकता था और मीठा पानी सब दूर तक पहुंच सकता था, वो काम इन लोगों ने नहीं किया। और आज पूरा राजस्थान, जैसे आप बैठे हो वैसे इसी तरीके से पूरा राजस्थान चिल्ला रहा है, रो रहा है, इसी तरीके से माता बहने हमें बार बार कह रही है कि ये फ्लोराइड युक्त पानी आप हमको पिला रहे हो, ये खारा पानी आप पिला रहे हो, हमको मीठा और पर्याप्त जल पहुंचाने का काम वो करेगा, हम उसके हमेशा क्रियावारी रहेंगे। मुझे इतना दुख हुआ कि किसी को भी ये कहने की जरूरत हो, ये तो आपकी मूलभूत सुविधा है और आपको मिलना चाहिए, किसी के सामने हमें किसी के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। यह आपको जो सरकार आती है उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो ये काम आपको करके दे। मैंने उसी दिन ठान लिया था और इसीलिए 2007 में 634 करोड़ रुपए, जैसे अभी संजना ने बताया, जवाई पेयजल योजना की शुरू की थी और पहले पानी और
बाद में सोजा तक पानी पहुंचता था, उसके लिए हमने पैसा का भी इंतजाम किया, पाइपों का भी इंतजाम किया और पानी के अंदर, रोड के अंदर, अभी अभी सोजत के अंदर भी पानी आया है। तो मुझे खुशी है कि कुछ हद तक ये योजना आप तक पहुंची है। ये रोड के साथ साथ 45 गांव में भी पहुंची और वो मैं देख रही हूँ कि दूसरे चरण में सोजत और चैतारण में पानी पहुंचाना जो था, हमारी सरकार चली गई तो कछुआ गति से काम रहा चला, परंतु कछुआ गति से चला और इसीलिए आधा अधूरा ही रह गया। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस आधे अधूरे काम का लोकार्पण मुख्यमंत्री ने आगे कर दिया। मुझे समझ में नहीं आता है क्या जल्दी है ये पत्थर लगाने की, काम नहीं होगा उसके बावजूद भी दौड़ दौड़ के पहले हम फीता काटेंगे, पत्थर लगाएंगे, सबको बताने की कोशिश करेंगे कि हमारे पीछे जो भी आता है वो ये पड़ेगा और कहेगा कि हाँ ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने काम किया, जब काम नहीं किया। और मैं यही कहना चाह रही हूँ कि उन्होंने आके लोकार्पण भी कर दिया और अगले चरण में जो जेतन को जोड़ना था उसका भी काम धीरे गति से चल रहा है, पर वहां भी 9 जून 2013 को आके लोकार्पण करके चले गए जबकि जेतन के अंदर पानी आया नहीं है। और इसीलिए ये सोए क्यों पड़े हुए, अगर अभी इतनी जल्दी पड़ गई तो ये 4.5 साल पहले इतनी जल्दी काम लेते तो कितने सारे लोगों को पानी का फायदा मिल जाता, गाँव के अंदर ये पानी पहुंच जाता, कितने लोगों को खुशी और सुखी हो जाते, ये अगर सोच लेते तो मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छा राजस्थान के लिए होता। अब आप भाइयों, ना पानी है किसी के पास, ना सिंचाई के लिए, ना पीने के लिए, ना बिजली है किसी के पास। अब ये पिछले 15 दिन में आ गई हो तो मैं कुछ नहीं कह सकती, परंतु मुझे मालूम है कि किसानों को जो 8 घंटे बिजली आराम से मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही। मिल रही है क्या? किसी को मिल रही है क्या? मेरे को ये बताया जाता है कि 3 या 4 घंटे मुश्किल से ही किसानों को मिल रहा है वो भी ट्रिपिंग के साथ। और हमारे समय में जो डीपी 72 घंटे में बननी जाती थी वो 72 दिन में भी नहीं लग पा रही। क्योंकि आपको रिश्वत देना पड़ेगा पहले, ये सबको याद है कि एक तो हमारे समय के अंदर डीपी लगती थी तो उस डीपी के ऊपर खाली 2 आदमी आते, परंतु अब अगर डीपी वापस चाहिए आपको तो 72 घंटे में नहीं आएगा, 72 दिन के बाद आएगा और वो अगर आप जल्दी से रिश्वत दे देते हो तो उसके हिसाब से वो चला आएगा, नहीं तो नहीं मिलने वाला है आपको। हर चीज के अंदर रिश्वत के बिना कोई काम नहीं हो रहा है। आप नीचे से लेके ऊपर तक देख लीजिए, चाहे ट्रांसफर में हो, चाहे बिजली विभाग में हो, चाहे किसी भी विभाग में हो, इन्होंने कहीं किसी को नहीं छोड़ा। ये इस तरीके से लूट मची हुई है राजस्थान के अंदर। मैं ये कहना चाहूंगी कि आपके अस्पताल की क्या हालत है? 100 बेड का 150 बेड का हमने अस्पताल आपको दे दिया, ट्रॉमा वार्ड भी खोला, लेकिन इसको भी सरकार शुरू नहीं कर पाई। सीटी स्कैन मशीन लगाई, लेकिन इस अस्पताल में 34 स्थान पर 8 डॉक्टर है, 34 में से 6 डॉक्टर। अब समझो, आप समझो कि 6 डॉक्टर क्या कर सकते हैं, अगर 6 ही डॉक्टर है 34 की जगह में तो कहां मुफ्त जांच, कहां मुफ्त दवाई, मिल रही है किसी को? अखबार पढ़ो भैया, ईटीवी को देखो भैया, उसमें तो रोज आपको ये बताया जाता है कि कितने ब्याज से आपको दवाई निशुल्क और जांच निशुल्क किस तरीके से हो रहा है, ये तो आपको सब में देखने को मिलता है, परंतु सच्चाई क्या है वो आप और हम जानते हैं, क्योंकि आप यहाँ बैठे हुए हो, मैंने 7 संभाग घूमे हैं और 7 संभाग को घूमने के बाद मैं ये कह सकती हूँ कि ये काम कहीं नहीं हो रहा है। अगर कहीं हो रहा है तो मुझे बताओ। यहाँ आपका सीनियर फिजिशियन नहीं, 80 डॉक्टर नहीं, नेत्र डॉक्टर नहीं, ईएनटी नहीं, ऐसे सब पद खाली है, कोई आ गया बीच में? आया नहीं आया? सोजत की सड़कों की मरम्मत करवाओ भैया। मैं तो आज जिन रस्तों पे से चल के आई हूँ, हम तो यही सोचते थे कि नहीं पहुंच पाएंगे। मैं तो कहने वाली थी भैया कह दो, एक तो बरसात ने टाइम निकाल लिया और एक तो ये सड़कें ऐसी सड़कें हैं कि ज्यादा गड्ढे और कम सड़क, मुझे समझ में नहीं आता। मैं पता किया, जयपुर में मैं दौरा कर रही थी तो जब सवाईमाधोपुर की ओर जा रही थी तो मैंने देखा कि जो सड़क निकली वो बहुत सुंदर काली डामर जैसी दिखाई दे रही थी। मैंने कहा वाह, सड़क का बहुत अच्छा काम किया है सरकार ने। तो एक
ने उठ के मेरे को ये कहा कि चलो जरा आगे चलो, आपको दिखाई देगा, थोड़ा सा गड्ढा दिखाई दिया, और आगे तरफ थोड़ा सा गड्ढा दिखाई दिया। उन्होंने कहा आपके पीछे से सड़क बनती जा रही है, तो आपको आगे तो दिखाई दे रहा है, पीछे पीछे सब उभरता जा रहा है। ये तो जिस तरीके से कच्चा काम इन्होंने किया है और जिसने भी खाया है, रिश्वत खोली हुई है, तो आपको मालूम हो जाएगा कि जिन सड़कों के ऊपर उन्होंने नया काम किया है वो इस बरसात के अंदर रह नहीं पाए। ये सड़कों की हालत और कितनी शर्म की बात है भाई। फिर आज आप सरकारी स्कूल में अध्यापक है, अध्यापक है, मेरे पास ये कागज है, आज मैं कटिंग लेके आई अखबार की, ये अखबार पत्रिका है 27 तारीख की, इसमें लिखा है खुले में बैठकर पढ़ते हैं विद्यार्थी, और ये दिया है आपके सोजत रोड कस्बा चौकीदारों की ढाणी। ध्यान है किसी को, है कोई चौकीदारों की ढाणी का? ये कह रहे हैं यहाँ एक राजीव पाठशाला के भवन के अंदर ये स्कूल संचालित है, जिसके अंदर सिर्फ 3 कक्षा है, 2 कक्षाओं के अलावा अन्य कक्षाओं के विद्यार्थियों को बाहर खुले में बैठकर नीम के पेड़ के नीचे पढ़ना पड़ता है। क्या मतलब है ये? आपको मालूम है कि आज 2013 वर्ष है, आज 2013 के अंदर ये स्थिति, और फिर हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, उन लोगों को हम कॉलेज भेजेंगे तो वो कैसे पढ़ेंगे, और आगे चल के वो कॉम्पिटिशन में कैसे बैठेंगे, कोई हमें समझा सकता है? और मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ, मैंने अभी निकाला भी, तो प्रदेश के अंदर ये मालूम पड़ा कि जिन जिन क्षेत्र के अंदर से मैं निकली, मैंने कह लिया भैया कॉलेज कितनी बड़ी चीज होगी, ये 5 साल में नहीं कर पाए, आप चिंता मत करो, जिन इलाकों के अंदर हमने कॉलेज दे दिया है वो बहुत अच्छी बात है, उनको हम और मजबूत करेंगे, परंतु जिन इलाके के अंदर कॉलेज नहीं है उन इलाकों के अंदर कॉलेज देने का हम लोग काम करेंगे, ये कह के मैं आगे बढ़ रही थी। तो इन्होंने क्या किया, प्रदेश में 34 नए सरकारी कॉलेज खोलने की मंजूरी, जयपुर के अंदर इन्होंने खबर दे दी कि 34 और कॉलेज खुलेंगे। अब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मंजूरी तो दे दी पर कॉलेज के सब एडमिशन हो गए, एडमिशन भी हो गए, कैलेंडर भी जारी हो गया, यूनिवर्सिटी ने कैसे परीक्षा की अनुमति देगी कोई बताए? या तो सब जानते हैं, जानते हैं, लोग बैठे हैं, चुनाव के समय फिर आपको लुभाने की बात चल रही कि चलो 34 कॉलेज हमने कह दिया तो जनता कहेगी वाह क्या काम करने वाली सरकार है, जैसे जनता को जानकारी नहीं है कि कैसी सरकार है जिसने 4-4.5 साल तक कुंभकर्ण की नींद खींची और अब बड़ी मुश्किल से जाग रहे हैं। अगर कर नहीं रहे हैं तो नए कॉलेज खोलेंगे कैसे? लेक्चरर नहीं है, अब आप समझो कि अगर आपके क्षेत्र के अंदर 100 लेक्चरर की जरूरत है मुश्किल से 25 मिले, अगर आपके सेकंड ग्रेड टीचर की जरूरत है तो सेकंड ग्रेड टीचर की खाली पद है, अब लेक्चरर नहीं है, सेकंड ग्रेड टीचर नहीं है तो पढ़ाएगा कौन, कोई समझाए? आज भी प्रदेश के अंदर ज्यादातर कॉलेजों के अंदर लेक्चरर नहीं है, प्रोफेसर नहीं है, और उनको भरने के लिए भी हम लोग कुछ कर नहीं रहे, तो फिर आगे चल के होगा क्या? ये सब घोषणा करके किसको लुभाने का काम कर रहे हैं ये मैं पता करना चाहती हूँ। इसके साथ साथ मैंने अभी ये पता किया तो हमारे बच्चों के लिए, आपको याद है कि हम लोगों ने कह दिया था अक्षत योजना में हमारे जो बेरोजगार और शिक्षित बच्चे हैं उनको 2 साल के लिए हम मजबूत करेंगे, उनको बेरोजगारी का भत्ता देंगे ताकि वो अपने माँ बाप के ऊपर ज्यादा बोझ नहीं बने, और हमने अपने समय के अंदर 1,38,000 बच्चों को ये देने का काम किया। मैं इनके साथ ही कहना चाहती हूँ कि आते ही उन्होंने इस स्कीम को बंद कर दिया, अब 1 साल पहले उनको लगा कि भैया इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा चुनाव के अंदर, तो उन्होंने उसको चालू कर दिया और चालू करके करीबन 18,000 बच्चों को दिया, उससे आगे बढ़ नहीं पाएंगे। और अभी अभी उन्होंने घोषणा कर दी कि जो परिवार के अंदर 1 लाख की आय होती थी अब 2 लाख की आय में हम देने को तैयार। अरे इससे किसको लुभाओगे, किसको क्या कहने की जरूरत है? जिस दिन आपने इसको तय कर दिया कि आप सरकार में आए उस दिन से अगर आपने सबको दे दिया होता तो लोग मान जाते कि आप हमारे बच्चों को वाकई में मजबूत करने की कोशिश करना चाहते। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपने 5 साल के अंदर कितने लोगों को नौकरी दी? या कोई है बैठा है? कोई नहीं है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने समय में 5 साल के अंदर 10 लाख बच्चों को सरकारी और गैर सरकारी नौकरी देने का हमने काम किया, और ये बात नहीं था अपने चला के
खड़ा हो जाएगा। ये किया हम लोग। और आज मैं कहना चाहती हूँ कि इन लोगों को टेट और ये सब परीक्षाओं के अंदर बांधने का काम जो हमने किया है, हमने टेट का प्रबंधन किया भाइयों, और हम आपको कहना चाहते हैं कि आरपीएससी के द्वारा हम फिर से परीक्षा करवाएंगे ताकि हमारे बच्चों को घर पर भटकने की जरूरत नहीं होगी। पहुंचनी थी, लेकिन इससे पहले ही ये रिपोर्ट बाहर आई तो कैसे आई?
और कैसे प्रस्तावित क्षेत्र में सरकार के लोगों ने जमीन के बड़े बड़े सौदे कर दिए और इस सौदेबाजी में मंत्री भी शामिल है, इसके बारे में कौन कुछ करने वाला है। अगर हम सड़क के ऊपर, फैक्ट्री के ऊपर, रिफाइनरी के ऊपर, हर चीज के ऊपर पैसे लेने का काम कर रही है। मैं पूछना चाहती हूँ कि कहाँ रुकेगा ये मामला। अभी बजट के अंदर मुख्यमंत्री ने कहा कि बीपीएल को 10% 10 रुपए प्रति किलो चीनी देने की उन्होंने घोषणा की थी, आप किसी को याद है? इतनी घोषणाएं हो गई, किसी को याद नहीं रहेगा कौन सी घोषणा हो गई। पर इन्होंने बजट में घोषणा की थी कि बीपीएल के परिवारों को 10 रुपए प्रति किलो चीनी देने की घोषणा की। ये किसी को मिला? आप किसी को मिला 10 रुपए की घोषणा है? घोषणा कह दो, लोग आ जाएंगे, खुश हो जाएंगे, हमें वोट दे जाएंगे। अरे किसान भाइयों, मैं आप लोगों से पता करना चाहती हूँ, यहाँ आपको निकलता हो, आपके यहाँ पारा पड़ा था, आपके यहाँ ओलावृष्टि हुई थी, तो आपको किसी को मुआवजा मिला? है किसान भाई, किसी को मिला? पीछे किसी को नहीं मिला। किससे कोई है ऐसा किसान जिसको 1,50,000 रुपए बिना ब्याज का लोन मिला? है कोई? है कोई वहां जिसको 1 रुपए किलो के हिसाब से गेहूं मिला? हल्ला हो रहा है, अरे हमने सब कुछ कर दिया है। मैं पूछना चाहती हूँ क्या किया है? अभी तो किसानों की तो हालत बिल्कुल दर्दनाक है। किसान को ना पानी है, ना बिजली है, ना खाद है, ना आपको कोई भी किस्म की बात मदद नहीं। और जब वो जाता है आपके बाजार में अपनी फसल बेचने के लिए, तो उसके भी दाम सही तरीके से नहीं मिलते। ये पहली दफा किसान राजस्थान के अंदर आत्महत्या कर रहा है, वो कभी नहीं आत्महत्या करता था। ये महाराष्ट्र की कहानी, आंध्र प्रदेश की कहानी थी, हमारे किसानों की कहानी नहीं थी। आज हमने अपने किसानों को इतना कमजोर कर दिया है कि वो किसान टूट टूट के आत्महत्या कर रहा है। ये स्थिति है। हमारे बच्चों को मिड डे मील हम नहीं दे पा रहे हैं। बिहार में 22 बच्चे मर चुके हैं। हमारे यहाँ भी कहीं छिटपुली, तो कहीं जुआ, तो कहीं कीड़ा, कहीं मकोड़ा, कुछ ना कुछ निकल रहा है। और 3 रुपए के अंदर हम अपने बच्चों को खिला के कह रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, हमने बच्चों को मिड डे मील खिला दिया। अरे मिड डे मील के अंदर तो हम लोग सब जाया करते थे, हम लोग बैठते थे, भोजन करते थे, पता करते थे कि हमारे बच्चों को क्या खाने खाने मिल रहा है, तभी तो हमारा मिड डे मील चलता था। आज कोई नहीं है पूछने वाला, इसलिए सब तमाशा होता है। और मैं कह रही हूँ कि अपने बच्चों को, अपने किसानों को, अपने नौजवानों को संभाल नहीं सकते, इन लोगों को यहाँ नहीं बैठना चाहिए। राजा आगे में हमारी महिलाओं के ऊपर, आज हमारी महिलाओं की कितनी दर्दनीय स्थिति हो गई है, कितने अत्याचार महिलाओं के साथ हो रहे हैं। मैं ये देख रही हूँ कि महिला उत्पीड़न में देश में हमारा प्रदेश नंबर 2 के स्थान पे आ गया है। वाह वाह, बधाई हो मुख्यमंत्री महोदय। ये प्रदेश तो वो प्रदेश था जिसकी महिला बिल्कुल याद थी, इसकी पूजा होती थी। आज उस महिला को आपने जमीन के अंदर गाड़ने की कोशिश की, अत्याचार से सिर झुका दिया है, हमारे परिवारों को कलंकित किया है, हमारे स्वाभिमान से खिलवाड़ किया है। और हमारी महिलाओं को जब इज्जत नहीं रख सकती, तो तुम्हें उस कुर्सी में बैठने का हक नहीं। अभी अभी जब जयपुर के अंदर 11 साल की एक मासूम बच्ची, उसके साथ दुष्कर्म हुआ, उसके बाद उसको कुएं में फेंक दिया, ये रोज का किस्सा। ये मामला ले रहे, आप सब जानती हो, हमारी बच्ची स्कूल में जाती है, कॉलेज में जाती है, तो हमें कितना डर लगता है कि ये वापस घर आएगी नहीं आएगी, कैसा दिल में लगता है, आप सब जानते हो। आज एक रोज रोज यही बात चल रही, वो बहुत गरीबों को नहीं छोड़ा, आपको याद है जयपुर के अंदर विचारों के साथ किस तरीके का बोल नहीं सके, ऐसे लोगों के साथ दुष्कर्म करने का काम इन लोगों ने किया और कुछ नहीं कर सके, उनकी मदद कोई किसी ने नहीं किया। ये तो स्थिति है हमारे बच्चों की। और आखिर में आजा भाइयों, कर्मचारियों का आंदोलन चल रहा है, आप इसको अखबार में पढ़ रहे हो, वो भी तो इस समाज और सरकार के अंग है। मुझे नहीं लगता कि सरकार ने इस चीज के ऊपर ध्यान ही दिया कि वो हमारे अंग है, हमारे परिवार के अंग हैं, उनकी तरफ किसी ने देखा है क्या? मुख्यमंत्री को कम से कम उनकी बात सुनना तो चाहिए है, बुला के बात तो कर देते। रास्ता कर्मचारियों को प्रताड़ित करने से नहीं मिलेगा, उनको विश्वास में लेके ही निकलेगा। अगर उनको विश्वास में लेंगे, साथ बैठेंगे, प्रताड़ित नहीं करेंगे, और अगर प्रताड़ित करेंगे तो जाओ जी, हम देखेंगे क्या होता है। परंतु अगर साथ में बिठा के विश्वास करेंगे, तो मैं समझती हूँ कि हर चीज का हल हो सकता है। ये तो कर्मचारियों की स्थिति है, तो कौन बच गया भाई? हमारे व्यवसायी जो है वो सब चले गए गुजरात। अभी ये कह रही थी मेरे को
कि आप साहब हमारे बड़े हो पूंजा में चले गए, आपका जीरा मंडी गया, आपका ओडिशा कोलका मंडी गया, सब मंडिया बाहर चले गए। मैं कहती हूँ ऊंचा के अंदर क्यों नहीं हमारे यहाँ हो सकता है? यहाँ से आपको अस्पताल डॉक्टर नहीं मिलता, सीधे पालनपुर जाते, सीधे अहमदाबाद जाते हो ऑपरेशन के लिए, कोई जाता है नडियाड, कभी कभी भूले भट के जोधपुर चले जाते हैं, नहीं तो सबके साथ गुजरात जाते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि आज राजस्थान की व्यक्ति को गुजरात में जाना पड़ रहा है और जब गुजरात में जाते हो तो कैसा लगता है भाई? कैसा लगता है आपको? लगता है ना कि ये देखो ये है प्रदेश और ये 15 दिन के 15 साल के अंदर प्रदेश बना। उधर मध्य प्रदेश के अंदर आप देख लीजिए 10 साल में शिवराज जी ने वो काम किया जो 15 साल में नरेंद्र भाई ने किया, और हम लोगों ने यार 50 साल सही है 50 साल हमने कांग्रेस को नहीं किया और 50 साल की ये आदत है ऐसे बैठे हम लोग। क्या डॉक्टर नहीं है, टीचर नहीं है, रोजगार नहीं है, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है और 50 साल निकल गए? इतनी शर्म की बात है? मैं कह रही हूँ कि बीजेपी को ये सरकार मिल जाती है 50 साल हमको मिल जाते तो आज इस स्थिति में आप लोगों को बैठने की जरूरत ही नहीं होती, हमारा प्रदेश भी ऊंचाइयां छूता। आज हमको ये सोचना पड़ता है कि अरे भाई गुजरात वार है, छत्तीसगढ़ वार है, मध्य प्रदेश वार है, अभी हमारे लिए कितना समय है? चिंता मत करो भाइयों, हम लोगों का सबका एक ही सपना है, एक नया राजस्थान बनाना है, एक ऐसा सुंदर, एक ऐसा सब मजहब मिलके इस जादू को ला सकते हैं। भाइयों आपको गरीबी में रखने का काम कांग्रेस ने आज तक किया और आज भी आपको लड़ाई झगड़ा करा करा के वोटों का फायदा दे रही है, मुसलमान को हिंदी से हिंदू से लड़ा के आपका फायदा, जात को एक दूसरे से लड़ा के उसका फायदा। मैं सबको कह रही हूँ कि उनका तो फायदा हो गया और हमारा कितना का नुकसान हुआ, इसलिए आपको ये कह रही हूँ सब लोग इकट्ठा हो जाओ, एक परिवार के रूप में अपने विकास के लिए आगे बढ़ो और जब आप विकास के लिए एक साथ मिलकर चलोगे तो कोई ऐसा नहीं है जो आपके विकास के अंदर रोड़ा डाल सकता है। तैयारी है क्या? है क्या तैयारी? आप करने की तैयारी में हो? बात मजे को मत कहना, मेरे को तो यार की सब की सब सीटें जीतनी है तभी मजा आएगा और तभी हम लोग आगे बढ़ सकेंगे। तैयारी है तो मेरे को बताओ, याद रखना 4.5 महीने बाकी है, ये लुभाएंगे लुटाएंगे सब कुछ करेंगे। मैं तो खाली इतना कहना चाहती हूँ कि राजस्थान के 5 महीने की घोषणा की सरकार नहीं चाहिए हमें, हमें 5 वर्ष की कार्य योजना की सरकार चाहिए, चाहिए कि नहीं? हमें मुख्यमंत्री बुजुर्गों के सम्मान की बात करते हैं, उनका सम्मान बेईमानी व स्वार्थी है, उनका सम्मान सही नहीं है, वो बेईमान और स्वार्थी है, और वरना ये सम्मान 4.5 वर्षों तक उनको याद क्यों नहीं आया? अभी तक आप सबका सम्मान क्यों नहीं किया? एकदम से आज उनको कैसे याद आ रही है? उन्हें नौजवानों का एक बेरोजगारी भत्ता चुनावी टाइम में क्यों याद आया? महिलाओं का सम्मान भी अभी कैसे ध्यान में आया? हमारी भामाशाही योजना बेरोजगारी भत्ता उन्होंने बंद क्यों किया? इसको चला ही देते तो इतने सारे लोगों का फायदा हो जाता और हमारे नए राजस्थान नए नौजवानों को रोजगार, महिलाओं को सम्मान, बुजुर्गों को सुरक्षा और 5 महीने नहीं पूरे 5 साल देने की तैयारी में है। क्या लेने की तैयारी में आप लोग हो क्या? अगर हाथ को हाथ ऊपर करके और एक जोरदार नारा में ऐसा